फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद साक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दाल के पापड़ के रोल्स। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। मैंने एक प्याज लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुलाबी होने तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मैंने है ना मटर को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको हमने 4 मिनट भुना है और इसको हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। मैंने लिया है एक शिमला मिर्च, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, आप देख सकते हैं। और इसको भी हम भून लेंगे 2 मिनट और ये अच्छे से भून के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने आलू 2 आलू लिए हैं बॉईल, उनको अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक स्टफिंग रेडी करेंगे, एक सूखी सी हमें स्टफिंग रेडी करनी है हमें इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। मैंने 2 गाजर लिए हैं। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर आपको भी पता है पानी छोड़ती है, तो अब हम इसमें अब जी आप देख सकते हैं कदक कदक के इसमें पानी इसमें से गाजर में से निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, चाट मसाला, अच्छा टेस्ट डालेंगे थोड़ा स्पाइसी सा रेड चिली पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें जो गाजर में पानी निकला है उसको अच्छे से हम ऑब्जर्व हो गया है। अब हमने लास्ट में ऐड किया गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ती और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने रखेंगे। मैंने इसे ठंडा होने रख दिया है। तब तक मैंने लिया एक प्लेट, प्लेट में मैंने लिया है 2 हाफ कप पानी। पानी में अब मैंने लिया दाल का पापड़, मैंने बाजार वाला लिया है और इसको अच्छे से मैंने तुरंत ही इस तरीके से मैश पानी से गीला कर लिया है। और इसमें ऐड करिए जो हमारी स्टफिंग थी वो रेडी हो गई है ठंडी होके। और हम इसे अब एक साइड से कवर करें। मैंने मैदा का एक थिक सा घोल बना के रेडी किया है। मैंने नहीं दिखा पाया बट इसका मैंने एक नॉर्मली इजीली घोल बनाते हैं उसे, और मैंने चारों तरफ से कवर कर लिया है। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पापड़ का रोल बनाया था और उसको एकदम स्लो गैस पे से भून लेंगे। पापड़ को नॉर्मली आप जैसे भून दे ना वैसे, क्योंकि हमारी स्टफिंग तो अंदर से बिल्कुल रेडी है ना। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी जो पापड़ सिक्के तैयार है, हमारी पापड़ रोल, अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने इसे सॉस और ग्रीन चिली से मैंने सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये दाल पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।